आप पेमेंट बैंक में ई केवाईसी कैसे करें? अगर आप ई केवाईसी नहीं कीजिएगा तो आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा और आप काम नहीं कर पाएंगे खुद से। तो आपको केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे, डिटेल्स के साथ जानेंगे इसी वीडियो में, आपको डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, भाई का नाम है अजित कुमार, तो मेरे चैनल में स्वागत है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देते हो। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको केवाईसी करना चाहिए और आपको कैसे आईडी लेना चाहिए। तो चलिए केवाईसी करना हम सीखते हैं। है मेरा आद्या पेमेंट बैंक, जैसे कि यहाँ आद्या पेमेंट बैंक आप देख सकते हैं, इसको हम लॉगिन कर लिए यहाँ पे। जैसे आईडी पासवर्ड और डाल के लॉगिन कर लीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी इसमें क्या चल रहा है, आपको इसमें केवाईसी करना पड़ेगा तभी आप आद्या पेमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कीजिएगा आपको बताते हैं, केवाईसी आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ एपीएस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तो एपीएस के ऊपर जैसे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन किए हैं इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा नीचे में, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि ई केवाईसी कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपका आईडी बंद क्या कर दिया जाएगा या फिर आपका डिवाइस में काम नहीं करेगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होता है, केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन केवाईसी करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसमें डिवाइस रजिस्टर करना पड़ता है। ये डिवाइस रजिस्टर क्या हो गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोरफो के लिए आरडी सर्विस अपलोड करना पड़ता है और मंत्रा के लिए भी आरडी सर्विस अपलोड करना पड़ता है। और उसको जैसे आप इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद उसको पूरा एलाव अलाव कर लिए, उसका मोरफो अपना लगा लिए या फिर मंत्रा लगा लिए, लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, डिवाइस लॉगिन करना होता है यहाँ पे। जैसे सब कुछ लगाने के बाद आपको पूरा क्लियर बता दें कि जैसे आप क्लियर कर दीजिएगा, उसका डिवाइस रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समय कुछ लोडिंग आएगा। लोडिंग आने के बाद वहाँ पे एक मोरफो मंत्रा वहाँ पे चूज करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे मोरफो मंत्रा चूज कर लीजिएगा। जैसे चूज कर लीजिएगा, उसका डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख दिया तो आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्टर जैसे हो गया तो आपको करना क्या होगा, नीचे में आ जाएगा ई केवाईसी आप कंप्लीट करें आद्या पेमेंट बैंक में, नहीं तो आपका आद्या पेमेंट बैंक CSP बंद कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कैश विड्रॉ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। जैसे आप यहाँ से कैश विड्रॉ कीजिएगा, जैसे यहाँ पे कैश विड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मेरे पास फटाफट अभी OTP आ रहा है, तो OTP को हम नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पे अगर नहीं आता, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ EKYC का, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे कैश विड्रॉ हम डाले, यहाँ पे जैसे कैश विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक कर दिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक OTP जाएगा, OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे यहाँ गया उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चूज करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको पूरा आपको डालना है, जैसे कि अपना प्रूफ डाल दीजिए, उसका एड्रेस प्रूफ डाल दीजिए, सब फोटो डाल दीजिए, पासपोर्ट साइज का अपना एक फोटो डाल दीजिए, उसका डालने सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। उसका आधार वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आधार वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देन जैसे आप वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद EKYC के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे जैसे आपको फिंगर रखने के लिए बोलेगा, आपका मोरफो या मंत्रा रहेगा तो उसमें लाइट आ जाएगा, तो उसमें आप जैसे अंगूठा डालिएगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे एक EKYC कंप्लीट हो जाएगा। उसका आधार में अगर आधार OTP अगर डालते हैं तो आधार में OTP आएगा, या फिर फिंगर रखते हैं, फिंगर रख दोनों में से जो कर सकते हैं आप, इस तरह का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप अपना खुद से काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बता दें, अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर अगर लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आसानी से इस आईडी को ले सकते हैं। बहुत क्या करना है, अगर आपको आईडी लेना है इसका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके और आसानी से आप ले सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके। तो चलिए, अगर वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो करिएगा लाइक, जरूर करिएगा सब्सक्राइब। चलिए आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, बाय।